मौत हुई है? ये जैसे एक लड़की से बात कर रहे थे, उसी का चाचा बुला कर, ये जैसे एक लड़की से बात कर रहे थे, उसी का चाचा बुला कर, वो भौजाई वही सब पड़ी तो वो वर्दी का एक लिए पहन कर बैठे है कुर्सी पे कि हमारा कागज हटा कर फेंक दिए है। उसके बाद में फिर गए कि सर हम आपसे हर एक बात बताएंगे, बस हमारा भाई की तलाशी करा दीजिएगा। दादा हमारा एक अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड टीएमटी सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड टीएमटी सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। गया अब आपके शहर सिवान में नीलकमल फर्नीचर का विशाल शोरूम जीनी सेल्स के ऊपर। अब मात्र 999 के ईएमआई पर शहर वासियों को मिलेगा एक ही छत के नीचे फर्नीचर के साथ इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, लैपटॉप, मोबाइल, आरओ, बैटरी, इन्वर्टर का विशाल रेंज। संपर्क करें जीनी सेल्स, पुरानी किला मोड़ के पास। सिवान मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चक्रा गाँव निवासी कमरुद्दीन मियाँ के पुत्र असलम अंसारी 3 दिनों से लापता था। परिजनों द्वारा लगातार उसे ढूंढने का प्रयास जारी था, लेकिन आज सुबह दरौली नहर से असलम अंसारी का शव बरामद हुआ है। परिजनों द्वारा शव का पहचान कर लिया गया है। आपको बता दें कि असलम अंसारी की शादी 8 वर्ष पहले महादेवा ओपी थाना क्षेत्र के बिंदुसार बुजुर्ग गांव निवासी सहदुल्ला अंसारी के पुत्री शहजादी अंसारी से हुई थी। असलम अंसारी तमिलनाडु में वेल्डिंग का काम करता था और एक माह पहले घर आया हुआ था। आज सुबह उसका शव दरौली नहर से बरामद किया गया। मृतक के साले ने बताया कि मैरवा की किसी लड़की से फ़ोन पर उसके बहनोई से बातचीत होती थी, जिसको लेकर बराबर उसकी बहन शहजादी परवीन और बहनोई असलम अंसारी के बीच विवाद हुआ करता था। मृतक असलम अंसारी के 2 बेटे हैं। इस हत्या की सूचना मिलने के बाद पोस्टमार्टम हाउस के पास मृतक की बहन रुखसाना खातून भी पहुंची हुई है, जिन्होंने अपने भौजाई पर हत्या की जानकारी होने की सूचना को छुपाने के साथ परिजनों को बरगनाने का आरोप लगाया है। पति की हत्या की खबर सुन पत्नी भी बेसुध पड़ी हुई है। बहरहाल यह तो पुलिसिया जांच के बाद ही हत्या के कारणों का खुलासा हो सकेगा। वही इस हत्या मामले में परिजनों द्वारा जिला प्रशासन से जांच कर दोषियों को सजा दिलाने की मांग की गई है। बताइए इनकी मौत हुई है? ये जैसे एक लड़की से बात कर रहे थे, उसी का चाचा बुला कर दोस्त यार मतलब वो गए थे फॉर्म भरने वहाँ पर। कौन थी, कहाँ की लड़की थी? विदेश जाने के लिए फॉर्म भरने गए थे वहाँ पर, तो वहाँ पर गए थे तो वो बाजी कॉल की बोल रहे थे गाड़ी चोरी हो गया है, गाड़ी चोरी। फिर बोले बाजी बोली घर पे आ जाए, तो बोले अच्छा गाड़ी मिल जाएगा तो आ जाएंगे। उसके बाद रात हो गया, फिर बाजी कॉल की तो बोल रहा था जो गाड़ी लेकर गया था बुलाया था, बोल रहा है गाड़ी खोज देंगे तो पैसा देंगे। रात हो गया फिर कभी नहीं आया। इस लड़की से ही बात करते थे? वो लड़की कहाँ की? मैरवा की। हमेशा उससे बात करते थे? हाँ बहुत पहले से बात करते थे। आपका घर कहाँ है? मेरा घर बेंसार है। इनके क्या है मृतक के? उनका मैं सार लगता हूँ। साला नाम बताइए। नवाज अंसारी। नवाज अंसारी, आपकी बहन का नाम? बहन का नाम शहजादी परवीन। आप लोग ऐसा क्योंकि वही लड़की इनकी हत्या कराई है? हाँ। असलम अंसारी के कहाँ करो थे? चकरा। कहाँ बॉडी बरामद हुई है? बॉडी कहाँ बरामद हुई है? तेरे हाथ भूल गई? अस्पताल निकाल निकल पड़ मंगल के दिन के निकल 3 बजे 7 बजे हमारा घर आएगा। अच्छा कहाँ करो? अच्छा करा अपना घर गई बड़न ससुरारी से। अच्छा ससुरारी से गई बड़न, आप बोल ले बड़न हम चिकन मांग ले बने हाई है बाबू गए भाई लेकर भाई लेकर गए ई गौ अपना नानी के देखे खाली हमरा मामा नहीं खेलो तक के खेत के लिखा पड़ी होता तो हमार नानी गिर गौ गए हमार बाबू गौन देखे खाली ये अपना नानी के तो इनके नाम लिखा था सब खेत को तो हमारी बाबू गौन तो हमने के फोन कर 3 बजे हमार बाबू देख 8 बजे चिकन ओकरा बस एकरा अपना मेरा रुक लेके चलू कौन की हमरा कोर्ट में काम बाम जाते नहीं कोर्ट में ओकरा बस एकरा के छोटपुर लेके जाए के बाद तब कहता कि हम कहीं बाबू कहाँ जाता अपनी खाना खा लो दाल भात सब्जी बनैले नहीं तो कहता का ना हम खाना ना खमान तो खाएं 3 बजे घर से निकल आई एगो लड़का मरल बा अथी के दो मरल बा फंटा पकड़ के ऊ कहीं लड़का गाड़ी चलावत लगे घर के तब
मार्क मुआ दिल बरसन ओकरा गाड़ी पर दारू बेचत लास ना मार्क मुआ दिल बरसन आ मार के ले जा हमनी के गांव पर फेंक दिल बरसन छोटू के दुआर का इनकरे कोई से विवाद रहला कोई से झगड़ा रहला भाई खंता आदमी है ना इतना सुती बोली दादा गरीब ये आपके भाई है हां हमारा भाई है वो भौजाई वही सब पड़ी है बॉक्स के बाद इस एकरा एकरा लगे सब फोन आई 3 बजे से लेके 12 बजे रात ले फोन आई 12 बजे बोले ले भी हमनी के आइल बनी शादी कहां भइल लेंगर बेंसार रोड जाम कर रहे क्या क्या मांगे रोड जाम कर रहे हैं हम बड़ा बाबुआ के लगे बहनी है कहनी है के केस लिख दा हमारे भाई घूम तो कहा हमारा यही ठीका लिए है तुम्हारा भाई को खोज हमारा ढीका लिए क्या मांग करते हैं तो वो वर्दी का एक लिए पहन कर बैठे है कुर्सी पे कि हमारा कागज हटा कर फेंक दिए उसके बाद में फिर गए कि सर हम आपसे हर एक बात बताएंगे बस हमारा भाई की तलाशी करा दीजिएगा दादा हमारा यही काम है छिनरई चोरई अथी में गुंडाई में काम करता हूँ भाई सब ना हमारे भाई दूसरा आदमी भाई विदेश रहा ठीक अपना नाम बता दिए हमारा रुखसाना नाम है उनकर हमारा भाई का असलम नाम है उनकर नवसाद नाम हो घर कहाँ उनकर घर चकरा हटे चकरा शिवान ससुराल हटे बेंसार चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाना हुआ आसान बने इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक अधिकृत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार निम्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल साथ ही कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के इलाज कराने के लिए अब आपको बड़े शहरों में जाकर भटकना नहीं पड़ेगा क्योंकि आपके अपने शहर सिवान में कैंसर का सफल इलाज होता है। जी हाँ, डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज के यहाँ हर्बल से निर्मित इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा कैंसर जैसी बड़ी और खतरनाक बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। सभी प्रकार के कैंसर की बीमारियों में सफलतापूर्वक इलाज के लिए आज ही संपर्क करें डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज सिसवन ढाला लक्ष्मीपुर सिवान। संपर्क नंबर है 9472250677।